राजस्थान यूनिवर्सिटी में लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर रहकर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। कर्मचारियों ने यह प्रदर्शन संविदा कर्मचारियों की सूची राजस्थान सरकार को नहीं भेजने, संविदा कर्मचारियों का वेतन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 18,000 नहीं करने और उनकी कार्य अवधि से जुड़े मामले को लेकर किया है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि वे यूनिवर्सिटी प्रशासन को पिछले 4 महीनों से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम 4 महीने से जो गवर्नमेंट हमारी राजस्थान सरकार लिस्ट मांग रही है, कार्मिक विभाग वाले ने 3 बार रिमाइंडर भेजा है हमारे यहाँ पे, लेकिन 4 महीने से कुल सचिव साहब कहते हैं वीसी साहब लिस्ट भेजेंगे, वीसी साहब कहते हैं कि रजिस्ट्रार साहब लिस्ट भेजेंगे। जब हमने दोनों को सामने बैठाया तो दोनों ने ही साफ मना कर दिया कि आप एजेंसी कर्मी हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम SMS सब जगह से एजेंसी के नाम से लिस्ट जा चुकी है, तो यूनिवर्सिटी से लिस्ट क्यों नहीं जा रही है? और यूनिवर्सिटी प्रशासन जब हर 2 महीने में सैंक्शन निकाल के हम लोगों को हटा देता है, तो एक चीज बताइए, 200 साल से हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें बिना मतलब कहे हटा दिया जाता है क्यों? हमारी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तनख्वाह हमारी 4 से 5 हज़ार रुपये, हमारी तनख्वाह की भी जिस समान काम समान वेतन का है जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 18,000 रुपये मिनिमम किया जाए, तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं करती है?